नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि का फलादेश आपको बता दिया गया है। विशेष दृष्टियों की बात कर रहे हैं। सातवीं दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, आठवीं की चर्चा करेंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि मार्स अर्थ एस्पेक्ट 4-7-8 इन भावों को देखता है। चौथी दृष्टि मंगल की जो होती है ये रक्षात्मक होती है, उस भाव के संपत्ति की क्या करता है, रक्षा करता है। मंगल की आठवीं दृष्टि जो होती है ये युद्धात्मक होती है, ये युद्ध को पैदा करती है, क्योंकि मंगल सेनापति है और सेनापति का काम युद्ध करना है, सेनापति का काम रखवाली करना है, एग्रेशन उसके अंदर होता है। तो चौथी दृष्टि से वह राज्य की रक्षा करता है। सातवीं उसकी अपनी कॉमन दृष्टि है, वह हर जगह नजर रखता है। और आठवीं दृष्टि से मंगल जो है योद्धा बन जाता है, योद्धा की तरीके से काम करता है। सीधा सा फार्मूला बताता हूं इन एस्पेक्ट को समझने के लिए। चतुर्थ भाव से किन चीजों का विचार होता है, चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई चीजों का प्रभाव मंगल की चौथी दृष्टि में, अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजों का प्रभाव मंगल की अष्टम दृष्टि में, ऐसे गुरु आदि के लिए भी समझना चाहिए। तो मंगल की आठवीं दृष्टि आपके किस भाव पर है ये, और मंगल से आठवां भाव कौन सा है, मंगल से अष्टम भाव, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इसी पे चर्चा करता हूं। आपकी कुंडली में मंगल जहां कहीं भी बैठा होगा उससे जो अष्टम भाव आएगा, उस अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर के जीवन में आपके ज्यादा कंसर्न रहेगा, आप उस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा विचार करेंगे। मान लीजिए मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, लग्न कुंडली के सप्तम भाव में है, तो मंगल से आठवां घर क्या हो जाएगा, द्वितीय भाव, वाणी का हो जाएगा, कुटुंब का हो जाएगा, धन संग्रह का हो जाएगा। तो आप इन सारी चीजों के प्रति ज्यादा कंसर्नफुल रहेंगे और इन सारी चीजों का लाइफ में अगर डिस्टर्बेंस होगा तो आपको तनाव हो जाएगा। यानी आप अपने धन संग्रह को लेकर के, वाणी मुख को लेकर के और कुटुंब आदि को लेकर के संवेदनशील रह सकते हैं, इस चीज का प्रभाव अधिक रहेगा। मंगल अगर आपके तीसरे भाव में बैठा होगा तो आप कैरियर को लेकर के ज्यादा संजीदा रहेंगे, यानी उस चीज से जुड़ी हुई जो भी भाव मंगल से अष्टम में होगा उससे जुड़े हुए कंप्रोमाइज आप जीवन में कम ही कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मंगल के आठवीं दृष्टि के प्रभाव की। आठवीं की जो दृष्टि होती है मंगल की, यह उग्रता का प्रतीक है। इसमें काफी उतार चढ़ाव भी आप मान सकते हैं कि इसमें काफी उतार चढ़ाव वाली दृष्टि ये मानी जाएगी। मंगल की जो आठवीं दृष्टि होती है वह चुनौतियों से और संघर्ष से जुड़ी हुई दृष्टि होती है, चुनौती और संघर्ष। यानी अगर द्वितीय भाव पर है तो आपने जीवन में धन का संघर्ष देखा होगा, लग्न पर है तो स्वास्थ्य का संघर्ष देखा होगा, तृतीय भाव पर है तो आपने ये देखा होगा अपने पड़ोसियों से आपको संघर्ष मिला होगा, आपके आसपास रहने वाले लोग आपके लिए चैलेंजिंग रहे होंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर, ऐसे में प्रत्येक भाव पे बताता हूं, ये मंगल की आठवीं दृष्टि का रिजल्ट है। अगर मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के पहले भाव पर है, आठवीं दृष्टि कब होगी मंगल की आठवीं दृष्टि, यहां पर जब मंगल आपके छठे भाव में बैठा होगा तब। मंगल अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में है तो मंगल की आठवीं दृष्टि लग्न में है, ऐसे में आपको अपने सेहत से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, संघर्ष, सेहत से जुड़ी हुई, व्यक्तित्व विकास से जुड़े हुए संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। मंगल छठे में बैठ करके आठवां एस्पेक्ट लग्न को डालेगा तो यहां पर आपको क्या करना है, मंगल यहां पर आठवीं दृष्टि से हमें एक सीख देता है, समझ देने का प्रयास करता है कि मेरी आठवीं दृष्टि जिस भाव पर जा रही है
उस भाव से ले उस भाव के फलों को लेकर के उस भाव को लेकर के आपको सतर्क और संवेदनशील रहना है। लगन पे जा रहा है तो आप स्वास्थ्य को लेकर के अपने व्यवहार को लेकर के संवेदनशील बने रहिए, अपने व्यक्तित्व को लेकर के संवेदनशील बने रहिए। मंगल युद्ध कब करेगा? जब मंगल देखेगा कि हाँ मेरे जमीन पे मेरे राज्य पे खतरा है तभी वह युद्ध करेगा। तो यानी मंगल की आठवीं दृष्टि आपकी कुंडली में जहां पड़ी हुई है आपके विरोधी आपके शत्रु आपके विरोधी मीठे बन करके आपके मित्र बन करके मंगल की आठवीं दृष्टि जहां है समाज के लोगों की नजर आपके उस भाव पर रहेगा। आप ऐसे देखेंगे जिसका मंगल सप्तम में होता है जिनका मंगल लगन में है खष्टम में है आठवीं दृष्टि लगन पे है ऐसे लोग उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का चरित्र का हरण करने के लिए तत्पर रहेंगे, लगन से जुड़ी हुई चीजों की हानि करने के लिए तैयार रहेंगे। मंगल सप्तम भाव में है तो ऐसे व्यक्ति के धन का हरण करने के लिए लोग तैयार रहेंगे, बस उनको पता चल जाए आपके पास धन है आपसे उधार मांगने वालों की लाइन लग जाएगी, आपसे उधार मांगने वाले तमाम लोग आते रहेंगे और आपको देने वाले कम मिलेंगे। तो मंगल अगर सप्तम में है तो आप अपने धन को सहेज के रखिए, धन पे आपके लोगों के नजर रहेगी, आपकी जो पारिवारिक शांति होगी वैवाहिक जीवन होगा उस पे लोगों की नजर रहेगी, बैंक बैलेंस पे नजर रहेगा, आपका जो पारिवारिक संस्कार है लोग उस पे प्रहार करेंगे, आपको समाज में असंस्कारी बना करके रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो मंगल की आठवीं दृष्टि द्वितीय भाव पर, अच्छा ये एक विशेष चीज जानिए, अष्टम दृष्टि जिस भाव पर पड़ेगी उस भाव से संबंधित अंग में पीड़ा भी होगी, उस अंग में पीड़ा भी होगी। जैसे लगन से क्या विचार होता है सिर, तो सिर में गर्मी महसूस होना माइग्रेन होना बालों की समस्या होना। द्वितीय भाव से मुख देखते हैं जीभ देखते हैं और ये जो सूड़ा है दांत वगैरह इन सबको भी देखते हैं, तो मंगल इन सब चीजों में दिक्कत पैदा कर सकता है। और जो नॉन लिविंग थिंग सुख भाव से जुड़ी हुई चीजें हैं उस पे आपके किसी शत्रु या किसी जो है फ्रेंड इनमी मित्र वाले शत्रु की नजर हो सकती है। अगर मंगल आपकी कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो इस मंगल की आठवीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। ऐसे में आप अपने सहोदरों से सावधान रहिए, आपके जो छोटे भाई बहन होंगे रिश्ते में कोई भी छोटा भाई बहन लगता हो उसके माध्यम से आपको तकलीफ मिल सकती है, आपके जो पड़ोसी होंगे उनसे आपको तकलीफ हो सकती है, ऑनलाइन चीजें हो गई कम्युनिकेशन की चीजें होंगी उन सारी चीजों के माध्यम से आप पे प्रभाव डाला जा सकता है। ये जो तीसरा भाव होता है ये लघु उद्योग का होता है, अगर आप छोटा उद्योग कोई कर रहे हैं और मंगल की आठवीं दृष्टि है तो मंगल महाराज सतर्क कर रहे हैं कि भैया सतर्क रहो, आपके कंपटीटर्स आपके विरोधी आपके लघु उद्योग पर, ये आपके कलिक्स का होता है सहयोगियों का होता है भाई का होता है ना, तो भाई मतलब एक तरीके से होता है हाथ, हमारे हाथ, तो जो भी लोग आपके काम में हाथ बटा रहे हैं उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत होगी। गले का ये भाव होता है, श्वास नली होती है, हाथों का होता है, भुजाओं का, तो इन सारे चीजों पे आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी अगर मंगल की दृष्टि आठवीं दृष्टि तृतीय भाव पर है। अब अगर मंगल आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा है तो उसकी आठवीं दृष्टि कहाँ आ जाएगी? चतुर्थ भाव पर आ जाएगी। क्या देखेंगे इस भाव से? भूमि देखेंगे, भवन देखेंगे, वाहन देखेंगे, परिवार देखेंगे, मान सम्मान देखेंगे, राजनीति में है तो जनता का सपोर्ट देखेंगे, जलीय स्थान देखेंगे। तो अगर मंगल यहाँ है तो आपको इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपने जमीन की अपने जायदाद की सुरक्षा करिएगा, जमीन जब भी खरीदने जाइए जांच पड़ताल बहुत ढंग से कर लीजिए, किसी विवादित चीज पे हाथ ना रखिए, भूमि भवन वाहन विवादित स्थानों से बचिए, वाहन भी लीजिए भवन लीजिए भूमि लीजिए तो जांच पड़ताल करिए कि कहीं उस पे कोई केस वगैरह तो नहीं है, क्योंकि ये मंगल केस का भी कोर्ट केस आदि का भी कारक है, यानी विवादित प्रॉपर्टी से दूर रहने का संकेत देता है। प्रॉपर्टी ले लिए हैं तो उसकी देखभाल करिए, ऐसे नहीं छोड़ दीजिए अन्यथा वहां पर दिक्कत आ जाएगी। चतुर्थ भाव आपके परिवार का होता है, परिवार में ही कोई व्यक्ति आपका शत्रु छिपा रह सकता है, परिवार के लोगों से सावधानी रखनी है, यानी चतुर्थ भाव की संपत्तियों को आपको संभालना होगा।
चतुर्थ भाव से जुड़े अंगों में तकलीफ होगी, यानी हृदय में भारीपन रहेगा। जहां दिल होता है, हृदय होता है, वहां पे आपको कभी कभी ऐसे उत्तेजना फील होगा, अचानक से आपका मन जो है अत्यधिक आवेशित हो जाए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, तो मंगल की दृष्टि से माता को भी यहाँ पर जो सजीव पक्ष है, जो अंग है शरीर के, उनमें तकलीफ होने की संभावना रहेगी। शेष उस भाव से संबंधित प्रॉपर्टी के लिए आपको रक्षा करना होगा, उस भाव से संबंधित नात और रिश्तों से लड़ाई झगड़े या तनाव की स्थिति हो सकती है। अब अगर मंगल दशम भाव में बैठे होंगे तो इनकी आठवीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, तो मंगल की आठवीं दृष्टि अगर पंचम भाव में गया हुआ है तो आप अपने आइडियाज जो हैं उनको सहेज करके रखिए। अगर आप अपनी आइडियाज दूसरों को लीक करेंगे, अपनी पॉलिसी, अपनी कंपनी की पॉलिसी तो लीक करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो अपने आइडियाज, पॉलिसीज आदि आप सहेज के रखिए। आपके ये मंगल जो है आपके संतान को थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। आपके जो ये पंचम भाव होता है, हमारे शरीर में अंग होता है पेट का, जिसको हम तोंद बोलते हैं, तोंद वाला पार्ट होता है, बेली होता है, ये हृदय होता है, तो इन सारे चीजों में भी ऐसा मंगल परेशानी क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर मंगल आपको टेक्निकल माइंडेड तो बनाएगा, अच्छा टेक्निकल माइंडेड बनाएगा, लेकिन टेक्निकल चीजों से आपको हानि भी होने की संभावना बनी रहती है। अगर कोई इलेक्ट्रिक उपकरण वगैरह है तो उन सारी चीजों से सहेज के आपको चलना चाहिए, बच करके चलना चाहिए। अगर मंगल आपका 11th हाउस में होगा तो उसकी आठवीं दृष्टि पड़ जाएगी छठे भाव पर। अब यहाँ पर यह दृष्टि आपके लिए काफी कारगर हो जाएगी। 11th हाउस में मंगल बैठ करके छठे भाव को देखेगा, यानी आपके जो रोग ऋण और ये शत्रु का भाव होता है, तो यहां से मंगल आपके ऋणदाताओं को, आपके शत्रुओं को पीड़ित कर देगा। कोई भी व्यक्ति जो आपको पीड़ा पहुंचाने आएगा सजीव पक्ष में, वह आपके दुश्मन हो गए, शत्रु हो गए, बैंक वाले लोग हो गए, जो भी आपको पीड़ा पहुंचाने आएगा मंगल उसे पीड़ा पहुंचा देगा। हालांकि मंगल की आठवीं दृष्टि यहां पेट से जुड़ी हुई रोग देने की क्षमता रखता है, क्योंकि ये रोग भाव है और यह आ जाता है भाव आंतों में, पेट का भाव है, तो थोड़ा बहुत डाइजेशन या समय समय पर आपको पेट की गर्मी महसूस हो सकती है, इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर मंगल की दृष्टि यहाँ पर है तो आपको अपने मामा लोगों से थोड़ा सा जो है सावधान रहने की जरूरत रह सकती है। दे कैन ट्राई टू मेक बेनिफिट्स फ्रॉम यू, वे आपसे लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं। अब अगर मंगल आपका 12th भाव में है, ये आठवीं दृष्टि जो है ये युद्ध वाली दृष्टि है, जिस भाव पे आठवीं दृष्टि जा रही है उस भाव से जुड़ा हुआ जीवन में युद्ध हो सकता है, उस भाव से जुड़ी हुई संपत्तियों का विवाद हो सकता है, उस भाव से जुड़े हुए कारकत्व में आपको ध्यान देने की जरूरत है। भाव से जुड़े हुए सजीव पक्ष से लड़ाई झगड़ा रोग और निर्जीव पक्ष से जुड़े हुए संपत्तियों की हानि का संकेत देता है, उसे आपको प्रोटेक्ट होना है। यहाँ पॉजिटिव वे में इन सारी चीजों को लेने की जरूरत है, मंगल हमें संकेत देता है। हम मंगल अगर 12th भाव में है तो मंगल की दृष्टि आ जाएगी आपके 7th भाव में। यह आपका कौन सा भाव है? विवाह भाव है, ससुराल है, पार्टनरशिप है। ध्यान दीजिएगा, यह भाव आपके व्यवसाय का भी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो यह भाव आपके व्यवसाय का भी है, यानी किसी न किसी व्यक्ति की नजर आपके व्यवसाय पर है, कोई ना कोई ऐसी चीज है, ऐसा कारण है, कुछ न कुछ ऐसे काजेस पैदा होंगे जो आपके विवाह में दिक्कत पैदा करने का प्रयास करें। कोई हो सकता है, फैमिली मेंबर हो, बाहर का हो, कोई घटना हो जिसके कारण से विवाह में प्रॉब्लम, विवाह होने में दिक्कत, विवाह होने के बाद दिक्कत, पार्टनरशिप में दिक्कत। आपका जो व्यवसाय है उसमें आप अपने पार्टनरशिप से सावधान रहिएगा अगर मंगल की दृष्टि यहाँ पर है। ऐसी प्रॉपर्टी जो आप रेंट पे लेते हैं या रेंट पर देते हैं, रेंट वाली प्रॉपर्टी, एक तो आपका अपना मकान है जिसमें है, वो आपका 4th हाउस हो गया। लेकिन अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं या आपने अपना मकान किराए पर दिया हुआ है और मंगल की यहाँ पर दृष्टि है, तो उस चीज को लेकर के भी सतर्कता बरतने की जरूरत हो जाती है।
यहाँ पर अगर मंगल आपके बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि है, तो अगर आप किसी को पैसा कर्ज पे दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो थोड़ा सावधान होकर के, हो सकता है आपके समय पर आपका वह पैसा आपको ना मिले। अगर मंगल महाराज लगन में बैठेंगे तो इनकी आठवीं दृष्टि कहाँ पहुंच जाएगी, अष्टम भाव पर पहुंच जाएगी। ये आपको क्या दे सकता है, रोग दे सकता है। रोग के साथ साथ इसमें संभावना होती है चोट देने की। यानी मंगल लगन में बैठ करके बताता है कि बेटा गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाओ, कोई भी काम कर रहे हो तो काम करने के पहले रुको, देखो, समझो, तब करो, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। खड़े हैं, पेड़ कट रहा है आसपास, सही तरीके से काम करिए, हो सकता है लकड़ी आपके सिर पे आकर के गिर जाए, आपकी गलती ना रहे, दूसरे वाले से सटके गाड़ी चला रहे हैं, उसने आपको गड़बड़ कर दिया। यहां पर मंगल के होने से आपको चोट चपेट की संभावना मंगल की दृष्टि आने से रहेगी। आपको कुछ ना कुछ पाइल्स की गंभीर समस्या या हल्की समस्या, कुछ ऐसी समस्याएं हो सकती हैं पाइल्स से भी जुड़ी हुई। जीवन में कई बार आपको पेशाब वगैरह में जलन, यानी जो हमारे गुप्तंग हैं, हमारे जो गुप्त अंग है, उनसे जुड़ी हुई हल्की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं अगर मंगल की आठवीं दृष्टि लगन पे जा रही है। मंगल की दृष्टि अगर लगन पे जा रही, आठवें भाव पर जा रही है, तो आपका जो भी जीवन साथी है उसके धन पे आप नजर रखिए। हो सकता है वह अपना धन किसी को दे रहा हो, उधार दे रहा हो किसी गलत व्यक्ति को, और वो पहचान ना पा रहा हो। तो अगर मंगल लगन में है तो आप अपने जीवन साथी के धन का प्रबंधन, ऐसे लोग अक्सर स्वयं के हाथ में रखते हैं, देखा गया है मंगल लगन में है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन साथी के धन का प्रबंधन स्वयं करते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट यहाँ से बन जाता है, लेकिन चोट चपेट के लिए सावधान रहने की जरूरत है। लगन में मंगल है तो आपके जीवन साथी की जो वाणी होगी वह समय समय पे आपके प्रति उग्र हो जाएगी, जिसके कारण से आप दोनों लोगों के बीच में खूब तूतुमय में हो सकता है। मंगल अगर आपका दूसरे भाव में बैठा होगा तो इसकी आठवीं दृष्टि जाकर के पहुंच जाएगी नाइन्थ हाउस पे। ऐसे में यह बताता है कि नौवां घर जो होता है ये हमारे पिता का होता है। आप अपने पिता का ख्याल रखिए, आपके पिता आपसे उतना मन माफिक मन उनका मिल नहीं पा रहा है कि आप समय नहीं दे पा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मंगल अगर अष्टम भाव में, पिता का ख्याल रख लीजिए, आप अपने गुरु का ख्याल रख लीजिए, पिता और गुरु का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर है तो आप कोई भी धार्मिक अगर क्रियाकलाप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो आपके समझ से हो सकता है कि पूरे विधि विधान से हो रहा है, लेकिन हो सकता है कराने वाला पूरा ढंग से ना करा रहा हो। यानी विधि विधान धार्मिक यात्राओं में, धार्मिक क्रियाओं में ध्यान देने की जरूरत हो जाती है। मंगल की आठवीं दृष्टि यहाँ पर होने पर आपको अपने पैर और कमर आदि का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहां पर दर्द होने की गुंजाइश भी बनी रह सकती है। अगर मंगल आपका तीसरे भाव में बैठा हुआ है तो इसकी आठवीं दृष्टि पहुंच जाएगी आपके दसम भाव पर, कर्म भाव पर। यानी यह मंगल यह संकेत देता है कि मेहनत कभी बंद नहीं करना है, मेहनत जारी रखना नौकरी में, अन्यथा तुम्हारा स्थान लेने के लिए कोई दूसरा तैयार है। यानी बहुत इजीली सब कुछ नहीं मिलने वाला है, आप टफ कंपटीशन से गुजरने वाले हैं, तब आपको चीजें मिलेंगी। मंगल की आठवीं दृष्टि यहाँ पर आपके पैर के घुटनों में, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा तब ये कंटिन्यू दर्द भी नहीं देगा, लेकिन कभी कभी पैर के घुटनों में दर्द देगा, चलते फिरते पैर के घुटने पर कुछ लग जाए, भिड़ जाए, इस बात की भी संभावना व्यक्त करता है। मान सम्मान आपका बनाए रखना होगा, आपको ध्यान देना होगा कि कोई उस पर अटैक ना करने पाए, क्योंकि मंगल की आठवीं दृष्टि यहाँ पर आपके कर्म भाव में युद्ध की स्थिति में है, यानी बचाना चाह रहा है, लोग आक्रमण करेंगे आपके नौकरी पर, आपके मान सम्मान पर, आपके यश पर, पैर का हिस्सा जो हो गया, घुटना हो गया, इन सारे चीजों में तकलीफ देने का प्रयास करेंगे। मंगल अगर आपका चतुर्थ भाव पर है तो आठवीं दृष्टि इसकी जाएगी लाभ भाव पर, इलेवंथ हाउस पर। अब चतुर्थ भाव का मंगल जिसकी दृष्टि एकादश भाव पर जाती है, वैसे एकादश भाव क्रूर भाव है, तीन भाव जैसे ये हो गया, तीसरा, छठा और एकादश,
इस पे अक्सर मंगल की जो आठवीं दृष्टि पड़ती भी है तो ज्यादातर मामलों में भले ही विवाद हो, कोई आपका नुकसान ही क्यों ना पहुंचा ना पाए, लेकिन चाहे लेकिन आपके लिए अंततः यह लाभकारी स्थिति हो जाती है अगर मंगल की आठवीं दृष्टि तीसरे, छठे और ग्यारहवें भाव पर बात करें तो सबसे अच्छा यही तीन भाव होता है जहां मंगल की आठवीं दृष्टि काफी ठीक है। मंगल की आठवीं दृष्टि यहां पर होने पर आपको जो है एक तो पारिवारिक कलह का सामना करना पड़ेगा, ये तय है, लेकिन लाभ के मामले में आप हमेशा आगे रहेंगे। परिवार के अन्य लोगों की अपेक्षा आप ज्यादा लाभ ले लेंगे क्योंकि आप जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। मंगल यहां से आठवीं दृष्टि डालेगा, बड़े भाइयों को थोड़ा सा सतर्क रखिए, बड़े भाइयों के साथ में कुछ गड़बड़ ना हो, यानी या फिर आप और आपके बड़े भाइयों से कोई विवादित चीज ना आ जाए जिससे आपका और आपके बड़े भाई का मनमुटाव हो जाएगा, इस चीज का ख्याल रखना है। यहाँ पर अगर मंगल की आठवीं दृष्टि जा रही है तो आपके जो छोटे चाचा होंगे उनसे भी थोड़ा सतर्कता बरतने की जरूरत हो जाती है। मंगल की आठवीं दृष्टि एकादश भाव पर होने पर ऑफिस की प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ऑफिस के जो असेस्ट होते हैं उनके साथ में छेड़खानी नहीं करिएगा। अगर मंगल आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठा होगा तो इसकी आठवीं दृष्टि बारहवें भाव पे चली जाएगी, यानी किसी व्यक्ति की नजर है आपके, अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है तो किसी ना किसी व्यक्ति की नजर उसमें है कि चलो कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा विवाद करवा ले जाते हैं, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मंगल की बारहवीं भाव पर दृष्टि है आठवीं, तो आप अपना आईटीआर वगैरह समय से फाइल करिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। अगर आप आईटीआर वगैरह नहीं भरते हैं और आपकी इनकम उस स्तर की है तो ये आपको कोई ना कोई व्यक्ति आपके खिलाफ शिकायत कर दे, चुंगली करने के फिराक में रहेगा। तो अगर मंगल यहाँ पर है तो बारहवें भाव से जुड़े हुए चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। मंगल अगर पंचम भाव में होता है तो ऐसे व्यक्ति को अस्पताल वगैरह हो गया या आईटी इनकम टैक्स विभाग वगैरह जो होते हैं वहां पर ऐसे इन व्यक्तियों को आम लोगों की अपेक्षा ज्यादा स्ट्रगल भी फेल करना पड़ सकता है, दाम्पत्य में थोड़ी सी परेशानी आने की जो है गुंजाइश रहती है, कोई ना कोई लड़ाई लगा दे, चुंगली कर दे, इन सारी चीजों का योग बना रहता है। जो आपके नीचे काम करने वाले छोटे कर्मचारी हैं वो आपका जो है नेचर, उनको लगता है कि आप गर्म नेचर के हैं, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अगर मंगल की स्थिति पंचम भाव में होगी तो आठवीं दृष्टि यहाँ जाएगी। अगर मंगल की दृष्टि के कारण से आपको कोई नुकसान हो रहा है तो मंगल की के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, मंगल के वस्तु गुड़, गन्ने वाला गुड़ जैगरी का दान करिए, लाल वस्त्र का दान कर सकते हैं, लाल मिर्च का दान कर सकते हैं, तांबे के बर्तनों का दान आप कर सकते हैं, इस प्रकार से आप मंगल को सही कर सकते हैं।